hi everyone this is atiya zanab and today i am going to explain the signal 1 the signal 1 is written by sivalout mikhailich gashan now you will be confused it is it starts with v and i am pronouncing it sivalout yes correctly sivalout is correct pronunciation v is silent and mikhailich mikhailich may v is silent and it is pronounced gashan not gashin so कभी भी कोई भी चैप्टर का एक्सप्लेनेशन ढूंढा करो यूट्यूब पर तो शुरुआत में देख लिया करो प्रेनाउंसिएशन ठीक होना चाहिए आप इंग्लिश सीख रहे हो इंग्लिश का एक्सप्लेशन सीख रहे हो और ऐसे टीचर्स से पढ़ना जिनका खुद का प्रनाउंसिएशन सही नहीं है वो चैप्टर तो एक्सप्लन कर देंगे लेकिन आपकी इंग्लिश और बेकार हो जाएगी तो बहुत सारे यू नो टीचर्स हैं आप मैं ये नहीं बोल रही आप मेरे को सुनो आप जनरली उनको फॉलो किया करो जिनका प्रनाउंसिएशन सही होता है सो बाय द वे दिस वॉज अबाउट मेक हारिज काशन now i'm going to talk about the signal one the signal one characters we will discuss first of all the characters are uh, you know very less bahut zyada characters nahi hai main character is of simion ivanov simion ivanov uh, ek ex soldier hai pehle soldier tha lekin ab track walker का काम करता है track walker बोले तो जो कि railway tracks को railway पट की पटरियों को देखता देखता है ठीक है uh, दूसरा उसका एक फ्रेंड है वसीली स्टेपनिक वसीली स्टेपनिक एक दूसरा ट्रैक वॉकर है ये शुरुआत से ही ट्रैक वॉकर रहा है जैसे कि सिमियन पहले सोल्जर रहा था लेकिन ये क्या है ये शुरुआत से ही ट्रैक वॉकर है तीसरा कैरेक्टर है एरिना का जो कि सिमियन की वाइफ है इसका बहुत ज़्यादा रोल नहीं है लेकिन एक जगह नाम आया है आपको याद रखना चाहिए एरीना नेक्स्ट कैरेक्टर है इंस्पेक्टर का और चीफ का नाउ इंस्पेक्टर और चीफ का नेम नहीं दिया गया है बस इन्हीं दो नामों से सिग्नल वन एंड सिग्नल टू में ये दिखाई दिए हैं अब स्टार्ट करते हैं एक्सप्लेनेशन इसके इंट्रोडक्शन देने की ज़रूरत नहीं है आपने अगर मेरी पहले से वीडियोस को देखते हो तो मैं जनरली इंट्रोडक्शन देती हूँ उन चैप्टर्स का जो कॉन्वर्सेशन बेस्ड होते हैं फाइन तो ये कोई ऐसा चैप्टर नहीं है कि आपको शुरुआत से समझ में ना आए आपको सब समझ में आएगा चलिए स्टार्ट करते हैं As कहानी की शुरुआत हो रही है बारे में बताया जा रहा है कि वो पहले एक आर्मी ऑफिसर के असिस्टेंट की तरह वर्क कर चुका है ही वॉज नाउ इन पोअर हेल्थ लेकिन अब उसकी हेल्थ ठीक नहीं रह गई थी एन लिव विद कर्स्ट कर्स में आर साइलेंट होता है कर्स इज अ नेम ऑफ प्लेस रशिया के ऑथर हैं तो ऑब्वियसली जो प्लॉट लिया गया है वो भी रशिया के एक जगह कर्स के लिया गया है वहाँ पे दोनों लोग रहते थे ये दोनों सिमियॉन और उसकी वाइफ ओके वंस सी हैपन टू राइड ऑन एन इंजन एट वन ऑफ द स्टेशन कर्स में ही एक पास में कोई स्टेशन था वहाँ पे ये एक इंजन के जरिए उसका एक बार गुजर हुआ ओके okay? जब ये वहाँ उतरा उस स्टेशन पे तो स्टेशन मास्टर का जो फेस था इसको कुछ जाना पहचाना सा लगा और दोनों ने एक दूसरे को पहचान भी लिया द स्टेशन मास्टर हैड बीन एन ऑफिसर इन सिमियॉन्स रेजिमेंट इसको पढ़ते हैं रेजिमेंट गानी पढ़ते हैं ज पढ़ते हैं ठीक है रेजिमेंट रेजिमेंट किसे कहते हैं ग्रुप को देखा होगा आपने जनरली जितने भी सोल्जर्स होते हैं तो उनका अपना एक पर्टिकुलर ग्रुप्स होते हैं और तो उनको एक लीड करता है कमांड करता है एक ऑफिसर ठीक है उस पूरे को बोला जाता है रेजिमेंट तो उन्हीं के जिस जहाँ ये काम करता था उसी रेजिमेंट के जो एक हेड थे वो ये uh, स्टेशन मास्टर थे तो दोनों ने एक दूसरे को पहचान लिया था तो स्टेशन मास्टर यानी कि जो रेजिमेंट के ग्रुप था उसका वो उसका जो इंसान था वो कहता है यू आर इवन ऑफ ही सेट तुम इवन ऑफ हो ना यस योर एक्सेलेंसी रेस्पेक्ट में वो सर कहने के बजाय वो योर एक्सेलेंसी कह रहा है तो रहा है यस yes, सर मैं वही हूँ हाउ डू यू कम टू बी हेयर अब उसका मास्टर पूछता है तुम्हारा यहाँ आना कैसा हुआ सिमियन टोल्ड हिम ऑल सिमियन उसको सारी बात बताता है देर इज नो विद मी टू गो आई मस्ट हंट फॉर वर्क सर मेरा कोई ठिकाना नहीं है पर्टिकुलर मैं यहाँ वहाँ जाता हूँ काम ढूंढ रहा हूँ ठीक है मैं उसका बहुत परेशान हूँ मेरी मेरी जो हेल्थ है वो ठीक नहीं तो वो है तो सारी बात वो बताता है द तो स्टेशन मास्टर लोक टाट हिम एंड सेट स्टेशन मास्टर ने उसके जब देखा और बोला स्टे हियर अ वाइल्ड एट द स्टेशन वेयर इज योर वाइफ ऐसा है तुम यहाँ पे कुछ देर रुक सकते हो कुछ टाइम तक रुक सकते हो वैसे तुम्हारी वाइफ कहाँ है वो कहता है माई वाइफ इज एट कस्क मेरा मेरी जो वाइफ है वो कस्क में है मैं यहाँ पे आया हूँ उसको छोड़ के तो उसको स्टेशन मास्टर बोलता है विल ब्रिंग योर वाइफ हेयर तुम अपनी वाइफ को भी यहाँ ले आओ आई विल गिव यू फ्री पास फॉर हर मैं तुम दोनों के लिए एक ठिकाने का बंदोबस्त करता हूँ देर इज़ अ पोजिशन एज अ ट्रैक वॉकर ओपन और मेरे को एक पोस्ट भी पता है एक जगह खाली है ट्रैक वॉकर की ओके आई विल स्पीक द चीफ ऑन योर बिहाफ और मैं अपने चीफ से बात करूँगा तुम्हारे लिए आई शैल बी वेरी ग्रेटफुल टू यू योर एक्सीलेंसी सिमियॉन जवाब देता है कि बहुत आपका एहसान होगा अगर आप मेरे लिए ऐसा कर दें ठीक है सिमियन स्टेड एट द स्टेशन क्योंकि उसने कहा था उसके ऑफिसर ने कि तुम यही रुको अपनी वाइफ को बुला लो तो वो यही करता है वहाँ रुक जाता है और स्टेशन पर रुकने के बाद वो वहाँ के जो किचन होता है स्टेशन मास्टर का उस किचन में वो हेल्प करता है और वहाँ का जो यार्ड होता है यार्ड किसे कहते हैं एरिया आउटसाइड द बिल्डिंग कोई बिल्डिंग की जो बाहर का एरिया होता है उसे यार्ड कहते हैं आपके घर का जो आंगन होता है यानी कि आपके घर से बाहर जितना भी बाउंड्री पोर्शन है उसे आप यार्ड बोलोगे लेकिन यहाँ बात हो रही है किचन के बाहर की तो वहां भी वो साफ करता है सफाई करता है प्लेटफॉर्म की भी झाड़ू लगा देता है वाइफ वाइफ अराइव और जैसे कि उसने को बुला लिया था उसकी वाइफ पहुंच जाती है एंड सिमियन वेंट टू हिस्स न्यू हर्ट और दोनों सिमियन और उसकी वाइफ को न्यू हट अलॉट हो जाता है और दोनों वहां पर नई झोपड़ी के पास चले जाते हैं फाइन अ लिटिल वेजिटेबल गार्डन एंड सम प्लाउड लैंड ऑन अदर साइड ऑफ द रेलवे इमैकमेंट जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो रेलवे मैकमेंट क्या होता है रेलवे मैकमेंट का मतलब है जितनी भी पटरियाँ होती हैं कभी कभी पटरियाँ ऐसी जगह पर होती हैं कि आस का जो एरिया होता है पास का वो ऊँचाई पर होता है तो इमैकमेंट बना दिए जाते हैं ठीक है थीके? तो रेलवे मैकमेंट जो उसको अलॉट हुआ था जहाँ पर उसको देखना था ट्रैक्स को सफाई वफ़ाई करनी थी और चेकआउट करना था कि वो ट्रैक सही है वहाँ पे वो देखता है कि पास की जो ज़मीन है वो ऐसी है कि वहाँ पे खेती की जा सकती है तो वो खुश हो गया देखकर आई को डू सम फार्मिंग हीयर मैं तो यहाँ कुछ कहते भी कर सकता हूँ सिम्यन वॉज गिविन ऑलेसरी स्टोर्स ग्रीन फ्लाग रेड फ्लॉग लैंटूंस सिम्योन को क्योंकि अब ट्रैक वॉकर हो चुका था उसको पोस्ट दे दी गई थी तो अब उसको वो सारे आइटम्स भी दे दिए है जाते हैं जो कि एक ट्रैक वॉकर को चाहिए होते हैं ट्रैक्स को देखने के लिए ठीक है ग्रीन फ्लाग रेड फ्लॉग लैंटूंस लैंटुन्स कहते हैं लालटेन को हॉर्न हैमर हॉर्न यानी वो कभी कभी हॉर्न की जरूरत पड़ती थी उसको स्क्यू रेंज आप देख सकते हो अपनी स्क्रीन पर नट्स क्रोबार क्या होता है तो ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो कि जरूरत पड़ती है एक ट्रैक वॉकर को पटरियों पटरियाँ पटरियों को सही करने के लिए अगर कुछ खराबी होती है उसमें तो ठीक है टू बुक्स ऑफ रेगुलेशन एंड द टाइम टेबल ऑफ़ द ट्रेन्स और उसको साथ में दो बुक्स भी प्रोवाइड की गई थी जिसमें टाइम टेबल था ट्रेन्स का रेगुलेशन था कि कैसे ट्रेन्स अराइव होगी कितने बजे ओके टू आवर्स बिफोर अ ट्रेन वॉज ड्यू ही वुड कोवर इस सेक्शन इससे पहले कि ट्रेन का टाइम टेबल हो ट्रेन का आने का समय हो दो घंटे पहले इससे वो जाए उस सेक्शन में जहाँ उसको देखना है चेक करना है तो उस दो घंटे से पहले पहले वो अपने झोपड़ी के बाहर बेंच पे बैठ जाता था और यू नो you know, देखता था सुन सुनता था देखता क्या था वो देखता था कि कहीं रेस जो की जो पटरियाँ हैं वो ट्रामलिंग कहीं वो ट्रामल तो नहीं कर रही हैं ठीक है थीके? वो देखता था ये चीज़ और सुनता था क्या ट्रेन को कान लगा के सुनता था पटरियों पर कि उससे कुछ साउंड आ रहा है रंबल कहते हैं साउंड को गड़गड़ाहट की साउंड ठीक है तो वो इस तरीके से चेक करता था कि ट्रेन आने वाली क्योंकि उन दिनों कोई ऐसा यू नो कोई ऑनलाइन सिस्टम तो था नहीं कि उसको पता चल जाए कि कितनी दूर है ट्रेन ओके okay. तो इस तरीके से वो दो घंटे पहले सबको वॉच आउट करता था ही वुड गो ओवर द ट्रैक ट्वाइस अ डे अब उसका जो डेली शेड्यूल था वो बताया जा रहा है कि वो एक दिन में दो बार ट्रैक को देखता था जा एग्जामिन करता था टच इन अप नट्स हेयर एंड देयर और यहाँ वहाँ अगर उसको लगता था कि कहीं नट्स लूज हो रहे हैं तो उसको टाइट कर देता था लुक एट द वाटर पाइप्स और जितने भी वाटर पाइप्स लगे होते थे वाटर पाइप्स लगे होते हैं ट्रेन को साफ ऑफ करने के लिए तो उसको भी वो देखा करता था एंड देन गो होम और वहाँ से वो घर चला जाता था देर वॉज ओनली वन ड्रॉबैक उसको इसका जो स्कड्यूल था पूरा पूरे दिन का वो बड़ा अच्छा था लेकिन उसको एक कमी लगती थी ड्रॉबैक इसे कहते हैं कमी को इन सब में उसको एक कमी नज़र आती थी वो ये ही ऑलवेज हैड टू गेट द इंस्पेक्टर्स परमिशन फॉर द लीस्ट लिटिल थिंग ही वॉन्टेड डू एक कमी ये थी कि उसको हमेशा इंस्पेक्टर की परमिशन लेना पड़ती थी छोटी से छोटी चीज़ के लिए जो वो करना चाहता था यानी कुल मिला के इंस्पेक्टर का नेचर बताया जा रहा है कि इंस्पेक्टर जो है वो एक बढ़िया इंसान नहीं है उसको ये है कि हर चीज़ मे को बता के करो ठीक है भले ही कुछ भी करो ठीक टू मंथ्स पास्ट और इस तरीके से जॉब करते करते ट्रैक वॉकर का जॉब संभालते संभालते उसको दो महीने गुजर भी गए इट वॉज समर आप सर्दियाँ चली गई थी और गर्मी आ गई थी और आपको पता है कि जब गर्मी आ जाएंगी तो फिर कोई स्नो वगैरह तो गिरेगी नहीं तो स्नो नहीं होती थी साफ़ करने के लिए उसके पास और जो ट्रेन थी वो भी बड़ी इनफ्रीकुंट थी ऐसा नहीं था कि बार बार ट्रेन आ रही हूँ बार बार उसको चेक करने जाना पड़े ठीक है तो कम काम होता था आप उसके पास तो सीमियन विज्ञान टू तो गेट एक्वेंटेड विद हिज नेबर्स आप धीरे धीरे क्योंकि दो महीने गुजर गए थे सीमियन अपने आस पड़ोस में जितने लोग रहते थे उनसे फमीलियर होने लगा गेट एक्वेंटेड का मतलब होता है गेट फमीलियर जानने लगा एक दूसरे को वन वॉज अ वेरी ओल्ड मैन दो नेबर्स के बारे में आपको बताया जा रहा है यहाँ पे एक नेबर जो है वो बहुत ही बुरा इंसान था क्योंकि वो बुरा इंसान था इसलिए वो बहुत ही कम स्कैट्सली मतलब कहते हैं हार्डली बहुत मुश्किल से ही अपने झोपड़ी से बाहर आता था ओके okay. दूसरा इंसान है वो है वसीली स्टैपनिक ओके okay. तो वसीली स्टेपनिक जो है वो एक यंग मैन था यंग मैन था और साथ साथ में दुबला पतला था हालांकि वो दुबला पतला था लेकिन स्ट्रॉन्ग था मस्कुलर यानी कि उसके मसल्स वगैरह ठीक ठाक थी एंड ऑल्सो अ ट्रैक वॉकर लाइक हेम सेल्फ और उसका भी प्रोफेशन वही था जो इसका था यानी वो ट्रैक वॉकर था ओके ही एंड सीम्योन मिट फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन द लाइन में डू ए बिटवीन दे हर्ड्स और वो और सिम्योन ही किसके लिए यूज हुआ है वसीली के लिए यानी वसीली और सिम्योन दोनों सबसे पहले कहाँ मिले थे उन दोनों की जो हर्ट्स थी उनके बीच एक रास्ता गुजरता था उस मिडवे में मिडवे लाइन में ये लोग आपस में मुलाकात करते हैं और जिस दिन सबसे पहले ये लोग मिले तो उसमें सीमियॉन ने बातचीत शुरू करी सीम्योर ने बोला गुड हेल्थ टू यू नेबर जैसे कि हम लोग गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग विश करते हैं तो ऐसे बोल रहा है गुड हेल्थ टू यू नेबर इसका जवाब में वो भी यानी कि वसीली भी रिप्लाई करता है हाउ डू यू डू हाँ तुम कैसे हो ठीक हो तो इस तरीके से बस हा, हाँ हाई हेलो होता है लोगों के बीच एंड देन मेड ऑफ़ और तब वसीली वहाँ से चला जाता है यानी दिखाया जा रहा है कि वसीली को ज़्यादा बात करना पसंद नहीं था फाइन आगे देखिए सिमियन ऑफन टॉक्ड ऑफ द डेज गॉन बाय बट वसीली फॉर द मोस्ट मोस्ट पैट केप सैल और ऐसा ही होता था कि जब भी वो कभी मिलते थे तो सिमियन तो गॉन बाय मतलब क्या होता है गुजरे हुए पास्ट पास्ट डेज या डेज गॉन बाय दोनों का सेम मतलब होता है गुजरे हुए दिनों बीते हुए पलों के बारे में ज़्यादा बात करता था सिमियन लेकिन वसीली ज़्यादातर चुप रहता था उसको ज़्यादा बोलने की आदत नहीं थी और एक दिन ऐसा ही हुआ सिमियन बोल रहा था कुछ उसने कहा आई हैव हैड नो लिटिल सोरो इन माई डे वो ये बोल रहा था कि मुझे जो मैं मेरा जो डेली स्कड्यूल है पूरा दिन का जो मेरा नो you know, टाइम टेबल है वो मुझे अच्छा लगता है मैं उसको इन्जॉय करता हूँ सब ठीक है ठीक ठाक है बट वॉट गॉड मे गिव सो वे लेट बी बस यही है कि मुझे कुछ दुख नहीं दिखाई पड़ता अपने डेली शेड्यूल में स्केड्यूल में लेकिन बस ये है कि गॉड जिसको जो देता है वो देता है यानी कि कुल मिला के वो वसीली कुछ कह भी नहीं रहा था ये अपने आप से अपने स्केड्यूल के बारे में बताना चाह रहा है फ़ाइन सो so, वसीली कह रहा है कहता है एंड पर इट इज़ वेस्ट ऑफ टाइम फॉर मी टू टॉक टू यू यानी इतना उसने बोला कि मुझे आ, अपने इस स्केड्यूल में कोई प्रॉब्लम नहीं है सब गॉड का यू you नो know, मेरे ऊपर करम है ठीक है ओके okay, मुझे कुछ दुख नहीं है अपने स्केड्यूल में इतना उसने बोला वसीली उससे चिड़चड़ा के बात करता है कहता है कि तुमसे बात करना तो बहुत ही बेकार है और ये कहकर वो वहाँ से जाने लगता है ओके तो इसको बड़ा अजीब लगता है कि यार मैंने ऐसा क्या कह दिया तो वो बुलाता है पीछे से पुकारता है नेबर वाट डू यू लूज़ योर टेम्पर तुम गुस्सा क्यों हो जाते हो यार बट इट्स नेबर डिड नॉट टर्न राउंड लेकिन उसका जो नेबर था यानी जो वसीली है वो पलटता ही नहीं है फ़ाइन चला जाता है आगे अब क्या होता है सिमियॉन वेंट होम एंड सेट टू हिज वाइफ अब सिमियन ये जा घर गया और पूरी बात उसने अपनी वाइफ को बताई बोला एरिना समथिंग डजेंट सीम राइट अबाउट अवर नेबर हमारे ये जो पड़ोसी है ना उसके मुझे कुछ सही नहीं लगता है आ, बड़ा अजीब बिहेवियर उसका अब आगे क्या बात होती है वो नहीं बताया क्या दूसरा सीन स्टार्ट हो गया अब सीधे वो जो दोनों इंसान हैं दो मैन हैं इन्हीं कौन कौन वसीली और सिम्यन दोनों फिर मिलते हैं क्योंकि भाई हैं दोनों ही का सेम प्रोफेशन है तो दोनों की मुलाकात होती रहेगी तो दोनों मिलते हैं फिर से और दोनों ने फिर से वही टॉपिक स्टार्ट किया अब की कौन स्टार्ट कर रहा है वसीली अब वसीली पूछता है क्योंकि कहाँ जहाँ पे बात ख़त्म हुई थी वहीं से स्टार्ट हुई कहाँ पे बात ख़त्म हुई थी उसने बोला था सिमियान ने बोला था कि मेरे को अपने स्कड्यूल से कोई प्रॉब्लम नहीं है बढ़िया है सब कुछ ठीक है तो अब उसी के उसी टॉपिक को दोबारा से स्टार्ट करता है वसीली कहता है वट सॉर्ट ऑफ लाइफ इज देयर फॉर अ पुअर मैन इन हार्ट हेयर और देयर वट पे डू यू गेट तो कह रहा है कि यार क्या लाइफ है गरीब इंसान की मेरी तरह देखो यहाँ वहाँ हम लोग तुम्हारी झोपड़ी मेरी झोपड़ी क्या लाइफ है इस पोअर इंसानों की वट पे डू गेट तुम्हें क्या तनख्वाह मिलती है नॉट मच वसीली ट्वेल्व रबल्स वसीली ज्यादा नहीं मिलता यार बस बारह रबल्स मिलते हैं रबल्स एक करेंसी है ओके एंड आई थर्टीन एंड हाफ रबल्स और मेरे को साढ़े तेरह मिलते हैं बाई क्यों बाय द रेगुलेशन द कंपनी शुड गिव अस फिफ्टीन रबल्स अ मंथ मुझे ज़्यादा और तुम्हें कम ऐसा क्यों हमारी जो हेड है वो सब रेगुलेशन जो है यानी कि जो हमारा पूरा सिस्टम है वो गलत है कंपनी को हमको पंद्रह डबल्स देने चाहिए हर महीने मुझे भी और तुमको भी हो डिस कौन डिसाइड करता है कि यू शुड हैव ट्वेल्व डबल्स और आए थर्टीन एंड हाफ तुम्हें बारह मिले मुझे साढ़े तेरह तुम्हें और तुम कहते हो कि सब कुछ अच्छा है तुम्हें कुछ दुखी नहीं लगता है अपने स्केड्यूल में एस योर खुद से पूछो जरा एंड यू से अ मैन कैन लिव ऑन दैट और तुम्हें लगता है कि साढ़े बारह साढ़े तेरह या बारह रबल्स में सब कुछ चल जाएगा आई शेल नॉट स्टे हेयर लॉन्ग मैं ये जॉब नहीं कर पाऊँगा आई शेल गो समवेयर एनी वेयर मैं चला जाऊँगा कहीं भी ठीक है तो कुल मिला के वसीलों को गुस्सा आया हुआ है वो सारी भड़ात निकाल रहा है सिमियोन से बात करके अब जब सिमियोन देखता है कि यार इसकी दोबारा हट गई है तो वो पूछता है बट वेयर विल यू गो स्टनिक कहाँ जाओगे वसीली स्टेप्निक तुम कह रहे हो कहीं भी चला जाऊंगा हैव अ हाउस यहाँ तुम्हारा घर है वॉम थियाँ तुम्हें अच्छी खासी यहाँ पे ज़्यादा सर्दी भी नहीं पड़ती है अ लिटिल पीस ऑफ लैंड तुम्हारे पास ज़मीन है योर वाइफ इज़ अ वर्कर तुम्हारे वाइफ भी तुम्हारा हाथ बटाती है जैसी वो ज़मीन का नाम लेता है सीमियॉन सि स्टेपनिक और गुस्सा हो जाता है कहता है लैंड तुम जमीन की बात करते हो यू शुड लुक एट माई पीस ऑफ लैंड जरा उस ज़मीन को देखो आके जो मुझको मिली है नॉट अ टवेग ऑन इट एक टहनी भी नहीं है एक कोई ब्रांच भी नहीं है वहाँ पर पेड़ की Nothing, कुछ भी नहीं है आई कैबेज इन स्प्रिंग सीजन में मैंने कुछ कैबेज प्लांट किए भी थे जस्ट वैन द स्पेक्टर के मलॉन्ग और फॉरन ही वहाँ पे इंस्पेक्टर आ गया इंस्पेक्शन के लिए ही सेट और उसने मेरे को बोला वॉट इज दिस ये सब क्या है वाई यू हैव नॉट रिपोर्टेड दिस इसको यह सब जो तुम्हें करना है यहाँ पे जो कैबिज तुमने लगाए हैं इसके बारे में, में को रिपोर्ट क्यों नहीं किया वाई है ये सब बिना परमिशन से क्यों क्योंकि ये रेलवे की जैसे तुमको हट मिली है हट अलॉट हुई है रेलवे की जैसे ही सारी ज़मीन है तुमने खुद से uh, कैसे कैबेज उगा दिए यहाँ पे डिग दे मैं आप सब खोदो रूट एंड ऑल सारी रूट रूट तो चढ़ाओ यहाँ से यानी कि इंस्पेक्टर आकर उसको डांट देता है एक तरीके से और कहता है थ्री डबल्स फाइन और तुम जुर्माना भी तुम्हें भरना पड़ेगा कि तुमने मेरे को मेरे से बिना पूछे अच्छा मैंने आपको पहले बता था कि uh, ये चीज़ सिमियन को भी बता दी कि जो इंस्पेक्टर है उससे हर चीज़ पूछना पड़ती है तो लेकिन ये जो वसीली है थोड़ा सा तेज़ दिमाग का है हॉट टेम्पर्ड रहता है ठीक है ऐसे नहीं पूछा तो उस वजह से उससे फाइन ले लिया गया ठीक है लेकिन उसको लगा कि मेरे साथ जाती हो रही है फाइन इस वजह से वो गुस्से में है सिम्योन कहता है यू आर हॉट टेम्पर्ड तुम्हें गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है सिम्योन बोलता है उससे नो आई एम नॉट हॉट टेम्पर्ड वसीली जवाब देता है कि नहीं nah, मेरे को गुस्सा नहीं आता है बट आई टेल द ट्रूथ मैं वो कहता हूँ जो सच होता है आई विल कंप्लेन टू द चीफ मैं इंस्पेक्टर की शिकायत करूँगा चीफ से वी विल सी देन एंड वसीली डिट कम्प्लेंट टू द चीफ और इसे हुआ भी वसीली ने चीफ से कंप्लेन करी अब कब करी अभी नहीं बताया गया आगे बताया जाएगा ठीक है वन डे द चीफ केम टू इंस्पेक्ट द लाइन एक दिन चीफ़ आया इंस्पेक्शन पर ठीक है और उसने बताया कि कुछ लोग आ रहे हैं ठीक है सेंट पीट से इंक्वायरी के लिए और तो उनके आने से पहले पहले सब कुछ ऑर्डरली फिक्स कर दिया जाए तो ऐसा कह के चीफ वहाँ से चला गया तो अब इन लोगों ने बहुत ज़्यादा मेहनत करी द स्लीपर्स वर केयरफुली एग्जामिन जो स्लीपर्स कह रहे हैं यहाँ पे गाड़ियों के जो डिब्बे होते हैं उनको एग्जामिन किया गया कि वो साफ सुथरे हैं या नहीं सही हैं या नहीं स्पाइक्स ड्रिबिन इन अ बिट और जो पहियों में जो स्पाइक्स लगी होती हैं उनको अच्छे से फिक्स कर दिया गया नट्स टाइट कर दिए गए पोस्ट यानी जो पिलर्स वो तो खंभे थे उसको पेंट कर दिया गया और जितने भी क्रॉसिंग्स पड़ती थी वहाँ पे येलो सैंड पड़वा दी गई फाइन तो कुल मिला पूरा अच्छे से उन्होंने सेटिंग करी और सिमियन और वसीली क्योंकि ये ट्रैक वॉकर्स हैं तो इन्होंने भी बहुत मेहनत करी ओके okay? और हर चीज़ को ऑर्डरली फिट करा द चीफ अराइव और फाइनली वो दिन आ गया जब इंस्पेक्शन होना था द चीफ अराइव ऑन द ट्रॉली अब चीफ की एंट्री कैसे हो रही है चीफ ट्रॉली पर आए हैं ठीक है थीके? और उस ट्रॉली के छः पहिए हैं कुल और उस पहिए जब वो आगे बढ़ रहे हैं तो वो जो पहिए हैं वो हमिंग साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं ओके okay? साउंड प्रोड्यूस हो रहा है और उसमें चार हैंडल्स लगे हुए हैं चारों कोने पर जिसको चार इंसान धकेल रहे हैं एक तरीके से तो कुल मिला इस साइकिल से चीफ आए हैं और ट्रॉली जो है यानी कि चीफ चीफ के जो एक तरीके से व्हीकल है ये वाला वो सिमियन के हट पे पहुंचता है हु रैन आउट एंड रिपोर्टेड इन सोल्जरली फैशन और अब उससे ये पूछताछ करना स्टार्ट कर रहे हैं चीफ कहते हैं हैव यू बिन हियर लॉन्ग यहाँ तुम बहुत लंबे समय से हो कब से हो यहाँ से यहाँ पर तो वो जवाब देता है सिंस द सेकेंड ऑफ मे योर एक्सेलेंस मैं यहाँ सेकेंड मई से हूँ ऑल राइट थैंक यू हु इज एट हर्ट नंबर वन सिक्स फोर अब चीफ हार्ट नंबर वन सिक्स फोर के बारे में जानना चाह रहे हैं जहां पर कौन रहता है वसीली द एंपनिंग ट्राफिक इंस्पेक्टर रिप्लाईड जो सात में इंस्पेक्टर था उसने जवाब दिया वसीली स्टेपनिक सर स्टेपनिक इज यू द मैन अगेंस्ट होम यू मेड अट लास्ट ईयर वही तो नहीं जिसकी शिकायत उन्होंने पिछले साल की थी यानी इसको याद आ जाता है कि वही इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर ने एक साल पहले बताया था कि इसने अपने कैबेज वगैरह जो प्लांट कर लिए थे फाइन तो इंस्पेक्टर जवाब देता है ही सर हाँ, सर वही है वेल वी विल सी चलो ठीक है उससे भी मिल लेते हैं देर विल बी ट्रेवल बिटवीन देम एंड माई नेबर टू हिमसेल्फ अब सीमियोन अपने ही से कहता है अंदर ही अंदर कहता है कुछ तो यार गड़बड़ होने वाली है आज फिर क्योंकि आज सामना होगा और वसीली और चीफ का और वसीली ने बोला था कि चीफ से शिकायत करूंगा इंस्पेक्टर की जबकि इसको पहले से पता है कि uh, कैबेज वाला मामला कुछ ना कुछ गड़बड़ होने वाला है तो ये अपने मन में सोचता है बोलता नहीं है वहाँ पर तो अब क्या होगा दोनों के बीच ये है आपके द सिग्नल टू में सून वी विल मीट इन द सिग्नल टू लेट सी वॉट ऑल फॉर टूडे थैंक यू फॉर वॉचिंग